Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing about Gayatri Spivak. So she was also a post-colonial theory critic included under literary theory. So let's start. She talks about concept of subaltern. ये Gayatri Spivak जो है ये एक subaltern एक concept है, इसके बारे में बात करती हैं. Subaltern people वो लोग होते हैं जो voiceless होते हैं, यानी उन्हें जो है अगर इनके साथ injustice भी हो रहा होता है तो ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते. एंड इनको जो है हर लाइफ के स्पेयर से, भले ही वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, इन्हें जो है इन सभी स्पेयर से एक्सक्लूड कर दिया जाता है. देन subaltern people are those people who are politically disposed. They are voiceless people, written out of the historical record. कि मतलब इनके बारे में कभी भी जो है subaltern मतलब लोगों के बारे में कभी भी जो है history में कभी मतलब इसका इन लोगों का जिक्र ही नहीं किया हुआ. They are voiceless people, written out of the historical record and ignored because their activities do not count for culture or structure. कि मतलब जो है इन्हें ignore किया जाता है हर एक sphere से. And जो इन मतलब इसलिए ignore किया जाता है क्योंकि जो है ये जो activities perform करते हैं उनको जो है मतलब कल्चर में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बाकी सारे कल्चर्स में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए जो है इन्हें इग्नोर किया जाता है. बिकॉज देयर एक्टिविटीज़ डू नॉट काउंट फॉर कल्चरल स्ट्रक्चर. देन लेट्स टॉक अबाउट हर वर्क्स. सो Gayatri Spivak हैड रोट मैनी वर्क्स. फर्स्ट वर्क इज़ इन अदर वर्ल्ड्स. प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम्स एज दे कैन बी आस्क्ड इन योर UGC नेट एग्जाम्स. So first work written by her was In Other Worlds. And please, this is very important. Can the Subaltern Speaks? This is a work written by Gayatri Spivak. Then she has translated the works of Jacques Derrida. Please remember this point too. She has translated works of Jacques Derrida, Grammatology. सो फ्रेंड्स, मैंने Jacques Derrida पे सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मतलब Jacques Derrida ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और सुने. एंड सो ये जो Gayatri Spivak हैं इन्होंने ट्रांसलेट किया था Jacques Derrida का वर्क जिसका नाम है ग्रामेटोलॉजी. दिस वर्क वॉज ट्रांसलेटेड बाई Gayatri Spivak. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर कॉन्सेप्ट. सो हर फेमस कॉन्सेप्ट इज, प्लीज़ रिमेंबर, इज subaltern. दिस टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाई एंटोनियो ग्रामशी. कि ये जो subaltern टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था एंटोनियो ग्रामशी. सो फ्रेंड्स, मैंने एंटोनियो ग्रामशी पर भी सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है. सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं. सो ये जो subaltern टर्म है ये एंटोनियो ग्रामशी ने दी थी when he was talking about working class people. जब एंटोनियो ग्रामशी working class people के बारे में बात कर रहे थे, लोगों के बारे में बात कर रहे थे, तब उन्होंने जो है इस टर्म को कॉइन किया था जिसका नाम है subaltern. बट बाद में जो है इस टर्म को पॉपुलराइज़ किया Gayatri Spivak ने पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में. देन subalterns आर द पीपल हु बिलोंग टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री. कि subalterns वो लोग हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मतलब उन्हें बोला जाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. इंडिया भी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है. सो subalterns आर द पीपल हु बिलोंग टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री. दीज पीपल कैन नॉट स्पीक अप फॉर themselves. कि subaltern ये लोग हैं, वो लोग हैं जो कि अपने खुद के राइट्स के लिए जो है आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने खुद के लिए जो है बोल नहीं सकते, डिमांड नहीं कर सकते. बिकॉज दे आर डिवाइडेड बाई जेंडर. क्योंकि वो जो है जेंडर, क्लास, रेस, रिलीजन से जो है डिवाइडेड है. इट विल नॉट अलाउ देम टू स्टैंड अप इन यूनिटी. कि जो subalterns लोग हैं वो अलग अलग जो है मतलब जेंडर, क्लास, रेस, रिलीजन इन सब में जो है डिवाइड हो चुके हैं, तो फिर वो जो है उनमें कोई यूनिटी नहीं है, इसलिए वो जो है अपने राइट्स के लिए जो है खड़े होकर दूसरों से लड़ नहीं सकते. इट विल नॉट अलाउ देम टू स्टैंड अप इन यूनिटी. दे आर स्पोकन फॉर बाय सम अदर पीपल. कि subaltern लोगों के बारे में जो है मतलब इनका जिक्र जो है दूसरे लोग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ सही में कोई subaltern नाम के मतलब लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. दे आर स्पोकन फॉर बाय सम अदर पीपल. देन
द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वॉइस इज़ नॉट देयर इन सबाल्टर्न, कि मतलब उनकी वॉइस में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है सबाल्टर्न लोगों की वॉइस में, नॉट देयर इन सबाल्टर्न. देन एवरी रिप्रेजेंटेशन इज मिस रिप्रेजेंटेशन, कि कहा जाता है कि ये जो भी मतलब कुछ भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उसे मिस रिप्रेजेंट किया कर दिया जाता है. यू ट्राई टू रिप्रेजेंट समबडी, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट. कि अगर तुम किसी मतलब किसी को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मतलब किसी भी स्फीयर में, भले ही वो सोशल में हो, पॉलिटिकल में हो, मतलब यहाँ पे जो है मैं सब ऑल्टर्न लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, तो ऐसा कहना है कि अगर आप मतलब ये लोग ट्राई भी करते हैं अपने आप को किसी भी स्फीयर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी करते हैं, सो ये नहीं कर पाते अपने आप को, बिकॉज इनको जो इनके जो है मतलब इनकी वॉइस को जो है मिस रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, ये सीरियसली नहीं देखा जाता. शी क्रिटिसाइजेस प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग फॉर द सबाल्टर्न, कि मतलब गायत्री स्पीवक जो है वो क्रिटिसाइज कर रही हैं कि उन्हें सबाल्टर्न लोगों को क्यों नहीं मतलब बोलने दिया जाता. एंड सेज दैट इट इज़ बेटर टू लेट द सबाल्टर्न पीपल रिमेन ऑन द मार्जिन्स, कि वो कहती हैं कि मतलब फिर ठीक है अगर वो बोल ही नहीं रहे तो अपने खुद के लिए मतलब लड़ ही नहीं रहे तो फिर ये सही रहेगा कि उन्हें जो है मार्जिन पर ही, मार्जिन स्टेटस पर ही रहने दिया जाए. देन रेदर देन स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ एंड देन मेकिंग इट सीप इन टू डीपर साइलेंस, इट वॉज वाइट मैन हु सेव्ड ब्राउन मैन फ्रॉम इंडियन मैन. कि मतलब बोला जाता है कि रेदर देन स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ, कि मतलब गायत्री स्पीवक जो हैं उनके मतलब फेवर में बोलने के बजाय जो है मतलब कह रही हैं कि उन्हें जो है साइलेंस ही रहने दिया जाए और मार्जिन स्टेटस पर ही रहने दिया जाए, ये सही होगा. देन इट वॉज़ वाइट मैन हु सेव्ड ब्राउन वुमेन फ्रॉम इंडियन मैन, कि मतलब ऐसा कहना है गायत्री स्पीवक बताती हैं कि ये जो वाइट मैन थे उन्होंने जो है मतलब ब्राउन वुमेन को, ब्राउन वुमेन यानी इंडियन वुमेन को जो है इंडियन मैन से बचाया. ऐसा मतलब गायत्री स्पीवक का कहना है कि वाइट मैन ने ब्राउन वुमेन यानी इंडियन वुमेन को इंडियन मैन से बचाया वाइट मैंस ने. देन सब ऑल्टन इज एनी सोशल ग्रुप इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री वे द पर्सन और ग्रुप इज़ अनेबल टू स्पीक फॉर themselves. कि सब ऑल्टन क्या है, एक तरीके का सोशल ग्रुप है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर जो है मतलब लोगों को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल दे आर अनेबल टू स्पीक फॉर themselves बिकॉज दे आर डिवाइडेड बाई वेरियस रीजन्स, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था. एंड somebody else इज़ कमिंग एंड स्पीकिंग ऑन their बिहाफ, कि मतलब वो जो है अपने बारे में खुद मतलब वॉइस नहीं उठा सकते, बट कोई दूसरा उनकी जगह पे आकर जो है उनके बारे में बताता है सबाल्टर्न लोगों के बारे में. यू विल नेवर फाइंड सबाल्टर्न्स कमिंग अप एंड स्पीकिंग फॉर themselves. यस वी cannot फाइंड them एंड दे आर नॉट कमिंग अप एंड नॉट स्पीकिंग फॉर themselves. दे विल गो इन डीपर साइलेंस, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप मतलब सहन कर रहे हैं जो भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है इस सोसाइटी में. देन नेक्स्ट टॉक अबाउट सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म. सो वॉट इज़ दिस, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट एथनिक ग्रुप्स और माइनॉरिटी ग्रुप्स शुड यूज टू प्रेजेंट देमसेल्व्स. कि ये इस तरह मतलब स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म एक मतलब स्ट्रैटेजी है जो कि एथनिक ग्रुप्स या फिर माइनॉरिटी ग्रुप को जो है मतलब बोला जाता है कि इस स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म को यूज़ करके तुम अपने आप को इस सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करो. इफ़ ऑल दीज पीपल कुड कम टुगेदर एंड फाइट फॉर अ कॉमन कॉज. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फाइट आएगा FIGHT, प्लीज़ रिमेंबर दिस. इफ़ ऑल दीज पीपल कम कुड कम टुगेदर एंड फाइट फॉर अ कॉमन कॉज, कि अब ये अगर माइनॉरिटी और या फिर सबाल्टर्न लोग जो है एक साथ मतलब मिलजुल कर जो है आगे आएंगे और एक ही चीज़ के लिए लड़ेंगे, कॉमन कॉज के लिए लड़ेंगे, सो दे विल बी एबल टू स्पीक, मतलब वो जो है अपनी मतलब लड़ाई खुद लड़ सकेंगे, अपने मतलब राइट्स के लिए लड़ सकेंगे और अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे. देन टू ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स एजेंडाज ऑफ वेरियस, मतलब इसके थ्रू क्या होगा, जब लोग जो है सबाल्टर्न लोग या फिर माइनॉरिटी पीपल एक साथ जो मिलजुल कर मतलब यूनिटी में आकर जब खड़े होंगे तो वो जो है मतलब अलग अलग तरह के एजेंडाज
एजेंडाज ऑफ वेरियस वुमेन ग्रुप टू वर्क फॉर अ कॉमन कॉज. तो फिर जो है जो भी मतलब सबऑल्टर्न वुमेन्स हैं यानी माइनॉरिटी वुमेन्स हैं वो एक साथ मिलजुल कर खड़ी होकर जो है अलग अलग चीज़ों के लिए डिमांड कर सकती हैं. देन इट इज़ टेम्परेरली एडवांटेजियस कि स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म अकॉर्डिंग टू गायत्री स्पिवक बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजियस है. एसेंशियलाइज देमसेल्व्स, फॉरगेट अबाउट डिफरेंसेस एंड जस्ट जॉइन हैंड्स टुगेदर. उनका कहना है कि सारे डिफरेंसेस को भूल जाओ, मतलब अलग अलग जो भी तुम सब ऑल्टर्न लोग जो है अपने खुद ही डिवाइड हो चुके हैं अलग अलग क्लास में, रिलीजन में, जेंडर में. तो उनका कहना है गायत्री स्पिवक का कि ये स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म एक ऐसी तरीके की मतलब स्ट्रैटेजी है जो कि मतलब बोलती है, इंसिस्ट करती है सब ऑल्टर्न लोगों को कि हर तरह के डिफरेंसेस को भूल जाओ और सब एक साथ जो है अपन मतलब यूनिटी मतलब बना लो, जस्ट जॉइन हैंड्स टुगेदर टू ब्रिंग फॉरवर्ड देयर ग्रुप आइडेंटिटी. और मतलब इस सोसाइटी के सामने जो है अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, ग्रुप आइडेंटिटी मतलब रिप्रेजेंट करो. इन अ सिंप्लीफाइड वे, ये एक तरह का सिंपल वे है जिससे वो लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. जैसे हमने देखा था कि 1947 जब इंडिया को आज़ाद करने से पहले लोगों ने जो है एक साथ मिलकर इकट्ठा करके जो है मतलब ब्रिटिशर्स को इंडिया से थ्रो करने की कोशिश की, डिस्कार्ड करने की कोशिश की. सो ये एग्जांपल हो सकता है नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. देन स्पिवक सीज द प्रोजेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एज कैरेक्टराइज बाय व्हाट फूको हैज़ कॉल्ड एपिस्टेमेटिक वॉयलेंस. कि मतलब ये स्पिवक का ऐसा सोचना है कि ये जो कॉलोनियलिज्म था वो हम करेक्टराइज कर सकते हैं उसको फूको के एपिस्टमेटिक वॉयलेंस से. और एपिस्टमेटिक वॉयलेंस क्या होता है, व्हेन यू इम्पोज वन बिलीफ ओवर अदर. कि ये जो कॉलोनियलिज्म था जो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आकर राज करने लग गए थे, तो फूको की मतलब लैंग्वेज में इस कॉलोनियलिज्म को बोला जाता है एपिस्टमेटिक वॉयलेंस. की मतलब खुद के बिलीफ दूसरों पर थोपना, when you impose one's belief over other, that is called as epistemic violence. It is the imposition of a given set of belief over others. कि मतलब जो मतलब dominant culture सोचता है उसको जो है दूसरों पर ज़बरदस्ती थोप रहा है. So it is the imposition of a given set of belief over others. So then वो बोलते हैं, वो बोलती हैं participation in the political प्रोसेस बिकमिंग अ वोटर. कि मतलब तुम सभी जो है अपने आप को जो है पार्टिसिपेट करो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, वोटर बनो. दैट विल हेल्प टू मोबिलाइज द सबऑल्टर्न, जो कि हेल्प करेगा सबऑल्टर्न को मोबिलाइज करने में ऑन अ लॉन्ग रोड ऑफ हेजिमनी. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है ये लेक्चर एंड होता है. एंड अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर लिखें. थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स.